करता हूँ। खाने का सामान बैग में से निकाल दो। अगर कोई मुश्किल हुई तो क्या करेंगे? इतने छोटे से पहाड़ पर हम किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लेकिन खाने के बिना हम वहाँ क्या करेंगे? तुम्हें बस खाने की फिक्र लगी रहती है। सामान कम करो। मैं सामान कम नहीं करूँगा, समझे? ओ, तुम दोनों कल की ट्रिप के लिए परेशान हो ना, चिंता मत करो, बेंजो तुम्हारे साथ जा रहा है, उसे परेशान मत करना। मैं समझ गया, मैं भी समझ गया। ओ, हाइकिंग पर जाने वाले इन बच्चों के साथ जो भी आदमी जाएगा उसे बहादुरी और हिम्मत दिखाकर इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। इस साल भी मैं कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया, मुझमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे हाँ, याद आया, तुम लंच भी ले जाओगे ना? ओ हाँ मॉम, हमें तो लंच बॉक्स भी लेकर जाना होगा। अच्छा है कि तुम लोग लंच बॉक्स ले जा रहे हो, लेकिन वहाँ जाकर राइस और सूप बनाना ज्यादा आसान होगा। हाँ ये बढ़िया है, ये कोरोसुके, हम इसे ले जाएंगे। तुम तो बस सामान बढ़ाए चले जा रहे हो, लेकिन इतना सामान हम उठाएंगे कैसे? हाँ मैं तो ट्रिप पर जाने से पहले थक गया, ये गलत बात है। ओ हाँ, अब क्या हुआ? मुझे याद आया, कुछ बातें मुझे बताई गई थी, कहाँ लिखा है? ये रही। ये क्या बना रहे हो? गॉब्लिन सीक्रेट पैसेज। गॉब्लिन सीक्रेट पैसेज, वो क्या है? कोरोसुके, ये एक डिवाइस है जो शॉर्टकट बनाने में काम आता है। अच्छा बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये तो पक्का है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है तो वही सबसे छोटा रास्ता होता है। यही बात तो तुम समझ नहीं पाए कोरोसुके, ये है सबसे छोटा रास्ता। अरे नहीं, ये तो चीटिंग है। देखो कोरोसुके, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, ये मशीन ऐसे ही काम करती है। किकेत्सु, कुमाडा मिलने आया है। पूटा गोरीरा, अच्छा ये बताओ कि तुम क्यों आए कोरोसुके? किकेत्सु कहाँ है? किकेत्सु अभी नहीं आ सकता, वो बिजी है। अच्छा तो ये बात है, आजकल वो मेरे ऑर्डर्स मान नहीं रहा है। कैसे ऑर्डर्स? मैंने उसे कहा था कि हम सब खिड़की पर एक पेपर डॉट टांगेंगे ताकि अच्छा मौसम आ जाए। हम सबने ऐसा ही किया। तो ठीक है, कल मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी डॉल बनाऊंगा, मुझे शीट्स लाकर दो। वाओ, सिर्फ किकेत्सु साइसेन ही इतनी बड़ी बातें सोच सकते हैं। किकेत्सु, अरे कोरोसुके, पूटा गोरीरा तो उसे मार रहा है। मैं आ रहा हूँ, जरा रुको। किकेत्सु, कितनी बार कहा सीढ़ियों पर आराम से उतरा करो। ओह नहीं, मैं तो सीढ़ियों से गिर गया। तुम सचमुच अच्छे लग रहे हो कोरोसुके। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गए थे। हाँ कोरोसुके, तुम्हें मैं सचमुच भूल गया था। तुम्हें मालूम है, गॉब्लिन सीक्रेट पैसेज कंप्लीट हो गया। गॉब्लिन सीक्रेट पैसेज, हम दो एरियाज को इस टेप से कवर कर देते हैं, फिर इन्हें इससे जोड़ देते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले दरवाजे को इस टेप से इस तरह कवर कर दो, ये पहली जगह है। उसके बाद दूसरी जगह को भी इसी तरह टेप से कवर कर दो। देखो मैं दिखाता हूँ, और ये हो गई दूसरी जगह। अब पहली और दूसरी जगह को जोड़ दो। ओके कोरोसुके, अब तुम टॉयलेट में जाओ, ठीक है? ठीक है। अरे किकेत्सु, ये तो तुम्हारा कमरा है। अब तुम्हारी समझ में आया, इन दो जगहों के बीच की जगह बेंड होकर आपस में मिल गई। I'm sorry, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो शायद टॉयलेट जाना चाहते थे, मैं सब पहले की तरह कर देता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है यही हमारे घर का टॉयलेट है ना? हाँ यही है, पर बात क्या है? लेकिन अब टॉयलेट यहाँ पर नहीं है। क्या? रुको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ये देखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रात को ज्यादा काम मत किया करो। लेकिन मैंने हाँ ये तो टॉयलेट ही है। लेकिन ये बताओ, गॉब्लिन सीक्रेट पैसेज का हाइकिंग से क्या लेना देना है? क्या अभी भी नहीं समझे? इससे हम वापस इस कमरे में आ सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम बगैर किसी सामान के घूम सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो इस कमरे से ले सकते हैं। अच्छा मैं समझ गया, मजा आएगा कोरोसुके, हम कल की हाइकिंग में खूब मजे करेंगे। ये किकेत्सु अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो दोस्तों, हम आ गए। तुम इतनी लेट क्यों आए हो किकेत्सु? मैं लेट नहीं हूँ, लेकिन भूटा गोरीरा तो यहाँ एक घंटे पहले ही पहुँच गया था। देखो हर जगह टाइम से पहुँचना ही ठीक होता है, और यही मेरा मोटो है। लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? क्या तुम नहीं जा रहे हो? लगता है तुम्हें लीडर पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, असल में मुझे सामान की जरूरत नहीं, एक समुराई सिर्फ तलवार के साथ जिंदा रह सकता है। मुझे पता है तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ हमारा खाना मत मांगना। अगर तुम्हें भूख लगी तो हम तुम्हें अपना खाना नहीं देंगे। अरे सामान यही है, मतलब वो अपना सारा सामान यही भूल गए। वहाँ बहुत मजा आएगा। तो किकेत्सु, क्या तुमने अपना सामान डिलीवरी सर्विस के जरिए भिजवाया है? क्यों, मैंने सही किया ना? एक लीडर को ट्रिप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेंजो। किकेत्सु तो काफी तेज चलता है ना दोस्तों? अरे नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सामान नहीं उठा रखा है। वाह बहुत खूबसूरत, पता नहीं इस फूल का नाम क्या है?
हाँ, अरे दोस्तों क्या यहाँ पर कोई नेम प्लेट वगैरह नहीं है? क्या तुम भूल गए कि ये कोई बॉटनिकल गार्डन नहीं है? अरे हाँ भूल गया। अरे नहीं दोस्तों, ये तो कैप्सिकम प्लांट है। अरे नहीं। ओके, तो फिर गोभी का होगा। पता नहीं क्यों कुमाडा कुंग हर चीज को सब्जी समझ लेता है। किसी भी लड़के को जो किसान के घर पैदा हुआ हो उसे ये पता होना चाहिए। बैग बहुत भारी है, तुम चालाक बनने की कोशिश मत करो। ऑलराइट, मुझे ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जिसे मैं दरवाजे की तरह इस्तेमाल कर सकूं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वो किताब, ये रहा, मिल गया। कोरोसुके, तुम सच में बहुत बुरे हो, अकेले ही वापस आ गए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है। चलो हमें जाना है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वैसे ये प्लांट ट्यूलिप या सनफ्लावर तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब पता चला कि तुम एग्जाम में फेल क्यों हुए थे। चुप रहो चोंगारी। कोई बात नहीं मियोको, मुझे अक्सर लोग ऐसे ही परेशान करते हैं। इस फूल को कहते हैं गुन्नाई फूरो, और ये फूरोसो फैमिली से रिलेटेड है। ये मौसमी फूल है जो ऊंची जगहों पर उगता है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? ये तो मैंने पिक्चर बुक में देखा था। पिक्चर बुक? लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ओके लेट्स गो। ये तो बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि ये फिर कुछ अनोखा करने वाला है। कितनी बुरी बात है कि सिर्फ वो अकेला ही कंफर्ट महसूस कर रहा है।